मैनपुरी के वकील थे राम रतन वर्मा, बाबा के परम भक्त थे। उनकी पुत्री शांता का विवाह बाबा जी ने स्वयं वीरेंद्र वर्मा से करवा दिया। कन्या मंगली थी, इसलिए विवाह मंगली लड़के से ही होना था, परंतु विवाह के समय दोनों ही पक्षों द्वारा कुंडली का मिलान नहीं किया गया और विवाह हो गया। विवाह के बाद जब कुंडली देखी गई तो पंडितों ने बताया कि विवाह के चौथे वर्ष उन्हें संकट है और पानी के नज़दीक नदी तालाब में न जाने की सलाह दी, इसलिए वीरेंद्र वर्मा को नदी जलाशय आदि में स्नान करने नहीं जाने दिया जाता था। बाबा जी पर अटूट विश्वास था उस परिवार का। सब जानते थे कि त्रिकालदर्शी बाबा ही संकट की घड़ी को टाल देंगे। कुछ समय पश्चात एक दिन बाबा उनके घर पधारे। वो वीरेंद्र वर्मा और उनके बुआ के बेटे और अन्य लोगों को लेकर नदी में स्नान करने गए। वहां पहुंचकर पहले तो वीरेंद्र वर्मा किनारे पर ही खड़े रहे। बाद में बाबा के कहने पर जहां पानी कम था वहां स्नान करने को उतरे। तभी बाबा पीछे से आए और उन्होंने वीरेंद्र वर्मा को गहरे पानी में धकेल दिया। वे तैरना नहीं जानते थे, इसलिए डूबने लगे। उन्हें डूबता हुआ देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ वीरेंद्र डूब रहा है। तभी बाबा कूद पड़े गहरे पानी में, खींचकर वीरेंद्र वर्मा को किनारे ले आए, उल्टा लिटाकर उसके पेट का पानी निकाला। कुछ देर बाद वीरेंद्र वर्मा बिल्कुल ठीक हो गए। उन्हें घर ले जाकर बाबा ने कहा, इसका जल संकट अब हमेशा के लिए दूर हो गया है, अब इसे कभी भी कुछ नहीं होगा। इस तरह से त्रिकालदर्शी बाबा ने भक्त के संकट को दूर किया। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।